चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज बड़ा दिन, चांद पर 14 दिन की रात हुई खत्म। क्या जागने वाले हैं लैंडर और रोवर? अगर ऐसा वाकई हुआ तो होगा चमत्कार। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने बताया चांद पर कैसे जागेंगे विक्रम और प्रज्ञान। भारत एक और सफलता लिखने को है तैयार। सब कुछ हुआ उम्मीद के मुताबिक तो शिव शक्ति पॉइंट पर होगा जश्न। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। एक चंद्र दिवस पूरा होने पर इसके लैंडर और रोवर स्लीप मोड में चले गए थे। भारत को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के एक्टिव होने का इंतजार है। अगर ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। ANI से बात करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में है। यहां आपको बता दें कि ये लगभग फ्रीजर से कुछ जांचने और फिर उसका यूज करने की कोशिश करने जैसा है, क्योंकि तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया होगा और उस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र कैसे जीवित रहेंगे ये वास्तव में चिंता है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बेशक स्थापित करने के लिए जमीन पर पर्याप्त परीक्षण किए गए हों, लेकिन ये ऐसी स्थिति के बाद भी काम करेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। हमें अपनी फिंगर क्रॉस करके रखनी होगी। सोलर टेम्परेचर उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा अगर ये दोनों चीजें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं तो। संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाए। एक बार ये चालू हो जाए तो ये संभव है कि हम अगले 14 दिनों में कुछ और दूरी तक घूम सके और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर अधिक डेटा एकत्रित कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये एक लूनर नाइट से गुजर चुका है, अब लूनर डे शुरू हो रहा है। अब वे जागने की कोशिश करेंगे। अगर सभी प्रणालियां काम कर रही हैं तो ठीक होगा, ये अंत नहीं है, और भी नई साइंस आएगी। अब भी चंद्रयान 1 के डेटा से कई खोजें सामने आई हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सी नई चीजें आएंगी। वैज्ञानिक प्रयास करते रहेंगे तो ये कहानी का अंत नहीं है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा जाग जाते हैं तो ये बोनस होगा। वैज्ञानिकों ने इन्हें जगाने की कोशिश गुरुवार से ही शुरू कर दी थी। इसके बाद शुक्रवार यानी कि आज इनके रिब्यूट करने की कोशिश की जाएगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जहां लैंडर और रोवर दोनों स्थित हैं, सूर्य की रोशनी वापस आने और उसके सारे पैनल्स के जल्द ही चार्ज होने की उम्मीद है। इसरो अब उनके साथ फिर से संपर्क करने की कोशिश करेगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी तैयार है। वैज्ञानिक नीलेश देसाई ने बताया कि हमने लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया था क्योंकि तापमान शून्य से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की उम्मीद थी। चांद पर सूर्योदय होने के साथ ही हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर तक सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी, इसलिए हम लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत न्यूज़।